कांग्रेस दो राह पर खड़ी है, एक तरफ सत्ता की मलाई तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पार्टी का हाल यूपी जैसा होने का खतरा। शिवसेना ने कांग्रेस को इतने गहरे घाव दिए हैं जिन्हें भूलकर गले मिलना हर किसी को चौंकाएगा जरूर। दोनों के बीच खटास इतनी रही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब प्रणब मुखर्जी बाला साहेब ठाकरे से मिले तो सोनिया गांधी आग बबूला हो गई। बाला साहेब तो नहीं रहे लेकिन प्रणब मुखर्जी हैं। सोनिया और प्रणव बाबू के रिश्तों में खटास यहीं से शुरू हुई थी। सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा शिवसेना आगे बढ़ चढ़ कर उठाती रही है। इसी वजह से शिवसेना से कांग्रेस में आए संजय निरुपम उद्धव से दोस्ती को आत्मघाती बता रहे हैं। अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में उद्धव के साथ गई तो अल्पसंख्यक वोट से हाथ धो बैठेगी और गले में शिवसेना का इतिहास हमेशा के लिए लटक जाएगा। इसी वजह से सोनिया गांधी को कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनाने की सलाह दी गई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में मौज करेंगे और कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा जैसा यूपी में हुआ, जहां एसपी और बीएसपी ने कांग्रेस को पूरी तरह खदेड़ दिया। बीजेपी और पीडीपी सरकार का तर्क कांग्रेस के किसी काम का नहीं, क्योंकि केरल लॉबी पूरी तरह इस बात के खिलाफ है। वहां कांग्रेस बैठे बैठे ही सीपीएम से मोर्चा गंवा देगी और खतरा इस बात का है कि राहुल गांधी का वायनाड भी कहीं हाथ से न निकल जाए, क्योंकि राहुल अल्पसंख्यकों के भरोसे ही चुनाव जीत पाए हैं। बात सिर्फ केरल की नहीं है, पूरे देश में अल्पसंख्यक वोटर्स एक बार फिर भिदक जाएंगे और सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा, इसलिए फैसला आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।